देखेंगे हम दीपक कुमार का ये मैथ का जो नेत्रहाट नवोदय में पूछता है 11/13 33। हाँ 11/33 बराबर x/39 तो देन एक्स का वैल्यू। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से किए तो 33 में एक्स से गुना किए 33x और बराबर इधर से तो 11 × 39 कर दिए। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हैं क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है तो 11 × 39/33, 11 तिया 33 और 3 से 33 33 39, इसका 33 आंसर आ गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3x-2y टू गेट 2y। तो क्या आप देखते हैं कि 3x कह रहा है कि इस 3x-2y में कितना जोड़ा जाए कि 2y के बराबर प्राप्त हुए। तो हम जान रहे हैं कि लिखे कि 3x-2y + k जोड़ रहे हैं। मान लिया कि 3x-2y में कितना जोड़ रहे हैं, k जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद कितना 2y प्राप्त हो रहा है। तो k का वैल्यू निकालना है, तो k बराबर 2y, तो इधर आएगा तो -3x + 2y, क्योंकि माइनस है तो प्लस, अब प्लस था तो माइनस कर दिए, 2y और 2y ये दोनों प्लस प्लस में है, इसे 2y 2y 4y और -3x आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2a^(x-2) इफ a = 5 एंड x = 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2a^(x-2) = 2 - a का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो एक का जगह पर 5 दिए हैं, x का वैल्यू दिया हुआ है 2, उसके जगह पर 2 दिए, और माइनस दिया तो माइनस, और ये 2 पहले से यहाँ दिया हुआ है 2 दिए, तो हम जा रहे हैं कि ये 2 2 हो गया इंटू 5, 5 की पावर 0, 2 में से 2 गया 0 और -2, तो 2 इंटू 5 के पावर 0 1, अर्थात x^(0) = 1 हम लोग पहले जान से हैं, तो x^(0) तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 × 1 = 1, 2, 2 में से 2 गया 0। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2x² - 8x² गेट -2x² - 4x = कितना आएगा। तो ये करा गया इसमें 2x² - 8x में कितना जोड़ा जाए कि हमें -2x - 4x प्राप्त हो। तो हम चूंकि हम जानते हैं क्या किए कि 2x² - 8x + कितना जोड़ा दिया जाए, के जोड़ा जाए जो इतना प्राप्त, 2 - 2k² - 4x प्राप्त हो, इसलिए k का वैल्यू निकाल लिए, -2x² - 4x प्लस में है तो उधर जाएगा तो -2x² और इधर प्लस में है माइनस में है तो उधर जाएगा तो +x, तो यहाँ पे माइनस माइनस छूट के -4x² और 4x - 4x और 8 + 8x, तो 8x में से 4x घटा तो +4x आंसर हो गया।